सारण जिले के पन्नापुर प्रखंड के कोंद मथुरा धाम पर रविवार को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया। सुबह से ही हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु रंग बिरंगे परिधानों में माथे पर कलश लिए गाजे बाजे के साथ भगवानपुर रामपुर रुद्र क्वार्टर बाजार होते हुए मथुरा धाम गंडक नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार से जलभरी की गई। त्रिदंडी सेवा आश्रम बक्सर से आए इस श्री मधुसूदन जी महाराज के नेतृत्व में यज्ञ स्थल से कलश यात्रा निकाली गई। भक्तिमय जयकारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक जनक सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि मुंचुन सिंह, मुखिया रूबी देवी, पूर्व जिला पार्षद ब्रजेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित सभी आयोजक व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पन्नापुर से अमृता मिश्र की रिपोर्ट। हमारी संस्कृति है यज्ञाधार जगत सर्वोम यज्ञो विश्वस्य जीवनम यज्ञो वही परमो धर्म श्रेष्ठ धर्म प्रतिष्ठितम। यज्ञ हमारी सृष्टि है, यज्ञ से ही सृष्टि होता है, यज्ञ सृष्टि के मध्य में भी है और यज्ञ अंत में भी बचता है। सोलहो संस्कार में अंतिम संस्कार भी यज्ञ ही है, तो यज्ञ से हम जीवित होते हैं, यज्ञ से जन्म लेते हैं। यज्ञ हमारा संस्कृति है, यज्ञ हमारा संस्कार है, यज्ञ से हमारे समाज में एकता समता आती है। यज्ञ संदेश देता है कि हम आपस में मिलकर के रहें और एक दूसरे के दुख को बांट करके और उसका निवारण करें, और हम परहित धर्म सरिस नहीं भाई, परहित करें, रक्षा करें। और हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी बताए कि यज्ञ से सब लोगों का कल्याण होता है। अगर यज्ञ के बारे में बोलिए, ये यज्ञ मथुरा धाम पर 23 जुलाई से बक्सर से पधारे हुए मधुसूदनाचार्य स्वामी, हम आकर के यहाँ भगवान की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के द्वारा संकल्प लिए कि यहाँ इस स्थान पर चतुर्मास व्रत करेंगे, और हम अपनी चतुर्मास व्रत का संकल्प लेकर के अपनी आराधना और व्रत में लग गए। और तप का ही फल है कि आज यहाँ यज्ञ नारायण भगवान साक्षात आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तप आधार सृष्टि भवानी, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहाँ भगवान स्वतः आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। इनके लिए केवल आस्था की हो सकता है, व्यवस्था की नहीं। व्यवस्था अनुकूल हो लेकिन आस्था प्रतिकूल हो तो ठाकुर नहीं आ पाते हैं। तो यही संदेश देते हैं कि बस हम आस्था के साथ भगवत की सेवा में लगे रहें। जय श्रीमन्नारायण।